गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे साइंस के बारे में, जो राजस्थान बोर्ड क्लास 10 के बारे में, चैप्टर नंबर 8, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में सबसे पहले आता है जीव शक्ति सिद्धांत, जिसको बोला जाता है विटल फोर्स थ्योरी। अब विटल फोर्स थ्योरी एक साइंटिस्ट था ब्रिजिलियस नाम का एक साइंटिस्ट आया। उसने 1815 में एक बात बताई, एक सिद्धांत दिया। सिद्धांत में इसने एक धारणा दी, जो कार्बनिक यौगिक होंगे उनका निर्माण ओनली जीवधारी स्रोतों से ही किया जा सकता है। जीवधारी स्रोत से मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म से। तो और इसने ये भी बोला, इसको हम लैब में नहीं बना सकते। लैब में नहीं बना सकते मतलब इसको प्रयोगशाला में अपन इसको बनाना संभव नहीं है, इसने ये बोला था। फिर एक साइंटिस्ट आया। अब कोई साइंटिस्ट होता है जो आपस में एक दूसरे की उसमें रहता है कि इसको पीछा करो, इसको पीछा करो, तो वो एक साइंटिस्ट आया। तो उसने सोचा कैसे मैं प्रयोगशाला में नहीं बना सकता। तो उसने बोला, वो आया 1828 में, 1828 में वोलर नाम का वैज्ञानिक आया, वोलर नाम का। तो उसने क्या किया, एक ऑर्गेनिज्म कार्बनिक यौगिक बनाया। अब कार्बन यौगिक बनाने के लिए उसने क्या किया, NH4 2KCNO, इसमें अमोनियम सल्फेट को पोटेशियम साइनाइड के साथ पोटेशियम साइनाइड के साथ उसको गर्म किया। अमोनियम सल्फेट को पोटेशियम साइनाइड के साथ गर्म किया। गर्म करने का सिंबल है, ठीक है। अब इसने इसको इसके साथ गर्म किया तो इसने इसको मिला ट्वाइस ऑफ NH4CNO प्लस K2SO4। तो इससे इसको मिला अमोनियम साइनेट। फिर इसने साइंटिस्ट ने अमोनियम साइनाइड को पी लिया, फिर गर्म करने के बाद इसको मिला NH2CO NH2। तो इस प्रकार इसको ये मिला। अब ये है यूरिया जो कि कार्बनिक यौगिक है। इस प्रकार इसने लैब के अंदर कार्बनिक यौगिकों का निर्माण किया और सबसे पहला बनाया गया कार्बनिक यौगिक यूरिया होता है, और जो किसके द्वारा बनाया गया था, वोलर के द्वारा। ये क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे पहले कार्बनिक यौगिक का नाम लिखिए, तो ये आपको लिखना है। इसका फॉर्मूला भी ध्यान रखना, इट इज वेरी इंपोर्टेंट। अब हम बात करेंगे कार्बन के बारे में। कार्बन का जो सिंबल होता है वो सी होता है, कार्बन का प्रतीक सी, और कार्बन का जो परमाणु क्रमांक है वो है 6। कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, ठीक है। अब बात करते हैं परमाणु भार, एटॉमिक वेट। इसका एटॉमिक वेट होता है 12। अब इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है इसका, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p2। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं तो मैं इसके लिए आपके अच्छे से अपने वीडियो बना दूंगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेगा कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया जाता है, कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को सोल्व किया जाता है, उसका एक ही ट्रिक बता दूंगा जिससे आप आसानी से इसको कर पाएंगे। अब बात करते हैं
कार्बन की संयोजकता, कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो होती है चार। इसका मतलब है कार्बन है वो बस चार ही, कार्बन है वो बस चार वैलेंसी रखेगा, कार्बन ओनली चार वैलेंसी रखेगा, न तो इससे ज्यादा न इससे कम। बस ये इम्पोर्टेंट चीज है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है पूरे चैप्टर में कि कार्बन की वैलेंसी होगी चार। अगर कार्बन की वैलेंसी में अगर आपने कहीं इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन जैसे कुछ कम लगा दिए तो आप इसका मतलब है आपने कहीं गलती की, तो कार्बन की वैलेंसी को कम्प्लीट करना है तो आपको चार बॉन्ड लगाने पड़ेंगे। अब बात करते हैं जो कार्बन जो यौगिक है वो किस 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 तरह के कंपाउंड बनाता है, तो पहले बात करते हैं चार एकल संयोजी परमाणु, चार एकल संयोजी इसका मतलब है सिंगल बॉन्ड टाइप, सिंगल बॉन्ड हो लेकिन चार से बने हुए हो, तो सिंगल बॉन्ड ये ना ये एक दो तीन चार, तो चार से जो बने हुए थे हाइड्रोजन 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 मैंने जोड़ दिया तो ये बन गया चार। अब मैंने ये बात कही थी कार्बन की जो एटम ये सिंगल बॉन्ड होते हैं चार होने चाहिए, वैलेंसी है चार है, तो इसमें ध्यान देना जो कार्बन की जो वैलेंसी वो चार होनी चाहिए, दो तीन चार, हाइड्रोजन जोड़ दो तो ये बन गया मेथेन CH4, इसको बोलते हैं मेथेन गैस। अब मेथेन गैस को मार्सी गैस भी बोला जाता है, मार्सी गैस ये अपन आगे पढ़ेंगे कुछ देर बाद। तो अब बात करते हैं जिस प्रकार सिंगल बॉन्ड होना उसी प्रकार इसका एक और एग्जाम्पल हो जाता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो इसमें क्लोराइड जोड़ देता हूँ क्लोरीन जोड़ देते हैं, तो वही वही है अगर कार्बन की जो चार जो वैलेंसीज है तो सब चार हो रही है गिलो एक दो तीन चार ठीक है, उसको बोलेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब बात करते हैं दो एकल संयोजी एवं एक द्विसंयोजी, कार्बन की विशेष प्रॉपर्टी होती है वो अपना छोटा स्ट्रक्चर होने के कारण ये अलग अलग बॉन्ड बना सकता है, जैसे कि सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड इस तरह से ये कार्बन की ये बना सकता है। तो अब सिंगल बॉन्ड अपन ने पढ़ लिया, अब डबल बॉन्ड की बात करते हैं खुद, इसमें क्या है दो तो एकल है मतलब दो तो एकल बॉन्ड होंगे मतलब सिंगल बॉन्ड, और जो एक होगा वो होगा द्विसंयोजी बॉन्ड, द्विसंयोजी बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड, तो देखो गिनते हैं एक दो तीन, अब ये वाला बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड है, लेकिन अपन कार्बन की वैलेंसी काउंट करें कार्बन की वैलेंसी में बताया कि चार होती है, तो एक दो तीन चार तो ये कार्बन की वैलेंसी को पूरी करता है, तो ये हो गया। अब इसको नाम दे दिया अपने फॉर्मेलिटी है, तो इन चीज को याद रखना है फॉर्मेलिटी है ठीक है। अब बात करते हैं कार्बन, मैंने आपको बताया कार्बन की सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बनाने की अलग अलग एबिलिटी है, तो ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है, देखो एक एकल संयोजी, एकल संयोजी का मतलब होता है मोनोवेलेंट, मोनो आपने सुना होगा मोनो डाइट्राइड एटा ये नंबर ऑफ उस पर डिपेंड करता है, तो एकल है तो एकल को मोनो, जैसे आपने कार्बन मोनोऑक्साइड का नाम सुना होगा CO, तो मोनो मतलब एकल, और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 तो मतलब डाई मतलब दो, तो इसी प्रकार अगर यहां पर मैं बात करूं एकल संयोजी बॉन्ड, एकल संयोजी बॉन्ड का मतलब है मोनोवेलेंट, मोनोवेलेंट और तथा साथ में उसके साथ एक आ जाएगा एक त्रिसंयोजी, त्रिसंयोजी जो त्रि का मतलब ट्राई, तो ट्राई वेलेंट परमाणु, तो एकल तो एक होगा और ट्राई वाले तीन मतलब ट्रिपल बॉन्ड वाला होगा, तो हाइड्रोजन कार्बन से एक बार जुड़ा एक सिंगल बॉन्ड के द्वारा और नाइट्रोजन से ये ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, फिर भी अपन काउंट करेंगे कार्बन की वैलेंसी एक दो तीन चार, हाँ यहाँ सेटिस्फाई होगी कि कार्बन वैलेंसी चार है, तो इसको बोलेंगे हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड। अब बात करते हैं अब कार्बन क्या होता है, कार्बन में ये प्रॉपर्टी भी होती है कि वो डबल बॉन्ड से भी जुड़ सकता है, मतलब डबल बॉन्ड अगर बॉन्ड लग जाए तो उसको कैसे देखेंगे आप देखते हैं, तो ये यहाँ पे दिख रहा है आपको कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, तो डबल बॉन्ड के साथ ये डबल बॉन्ड ये, तो उसने दो द्विसंयोजी बनाए, द्विसंयोजी मतलब दो डायवेलेंट बना लिए, डायवेलेंट बना लिए, तो अपन बात करते हैं देखो अब कार्बन वैलेंसी की, कार्बन की वैलेंसी को अपन काउंट करते हैं एक दो तीन चार, इसका मतलब है कि ये कार्बन की वैलेंसी को वो करता है। तो दोस्तों अपन बात करेंगे कार्बन की ज्यामिति के बारे में, कार्बन की ज्यामिति, कार्बन का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, तो कार्बन का जो स्ट्रक्चर होता है समचतुष्फलकीय, समचतुष्फलकीय मतलब रेगुलर टेट्राहेड्रन, रेगुलर टेट्राहेड्रन ये देखो समचतुष्फलकीय, ये कार्बन है ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन, तो इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर हुआ होगा रेगुलर टेट्राहेड्रन। अब इसको समझने के लिए अपन क्या करेंगे, चीज को समझते हैं, मान लो यहाँ पर एक कार्बन एटम, यहाँ पर एक कार्बन एटम और कार्बन एटम के नीचे बिलो एक हाइड्रोजन एटम
कुछ डिस्टेंस पे हाइड्रोजन एटम, कुछ डिस्टेंस पे हाइड्रोजन एटम और कुछ डिस्टेंस पे हाइड्रोजन एटम। तो मैंने क्या किया, इस हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन, इन चार हाइड्रोजन को इस कार्बन एटम से मिला दिया। तो सबको मिला देता हूं, तो आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। ये स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है रेगुलर टेट्राहेड्रन, सम चतुष्फलकीय की स्ट्रक्चर। अब इस स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा होगा जो एक जो बॉन्ड बना है हाइड्रोजन का कार्बन से, जो हाइड्रोजन का कार्बन से जो बॉन्ड बना है, इन दोनों के बीच का एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट। तो यह वो एंगल है, तो इसका मतलब यह एंगल सेम है। तो आपको इन चीजों पे विशेष फोकस करना है, क्योंकि ये चीज बच्चे इमेजिनरी से नहीं कर पाते, इसलिए इनको थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होती। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। तो एक इम्पोर्टेंट चीज ये होती है, जो मीथेन का, मीथेन के अंदर जो बॉन्ड एंगल है वो कितना होता है 109 डिग्री 28 मिनट। ये सुपर इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लेना, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बात करते हैं सम चतुष्फलकीय स्ट्रक्चर। ऐसा चतुष्फलक, इसकी डेफिनेशन की बात कर रहा हूं, जो मैं समझा चुका हूं उसकी डेफिनेशन बता रहा हूं। ऐसा चतुष्फलक जिसमें चार त्रिभुजाकार फलक हो, चार त्रिभुजाकार फलक हो, देखो एक फलक, दो फलक, तीन फलक, चार फलक, चार त्रिभुजाकार फलक हो, तथा उसमें से एक को आधार मानते हुए, मैंने एक आधार मान लिया, मानते हुए इसके तीन कोणों को, इसके तीन कोणों को एक शीर्ष पर मिला दिया जाए, इसके तीन गुणों को जैसे मैंने बताया था उस टाइप से मिला दिया। तो इस प्रकार का ये जो स्ट्रक्चर बना उसको बोलते हैं सम चतुष्फलकीय स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सुपर इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है संकलन क्या होता है, कैटिनेशन क्या होता है। तो इसको समझने के लिए क्या करते हैं अपन, बात करते हैं कार्बन परमाणु, जब कार्बन परमाणु आपस में कार्बन कार्बन मिलकर हो सकता है शाखा बनाए, मतलब उसमें शाखा हो सकता है अशाखित हो, शाखा नहीं हो सकता है चक्रीय हो, इन यौगिकों का निर्माण करता हो, तो उस प्रकार से, इस प्रकार से जो बनाया गया संतुलन है, मतलब जो गुण है उसको संतुलन कहते हैं, तो इसको इंग्लिश में कैटिनेशन कहते हैं। तो बात करते हैं शाखित क्या होता है, अशाखित क्या होता है और एक चक्रीय क्या होता है। तो पहले बात कर लेते हैं, मैं आपको बता देता हूँ चक्रीय क्या होता है। चक्रीय वो है जब कार्बन कार्बन जुड़ के एक कंप्लीट साइकिल टाइप बना ले, तो उसको बोलेंगे चक्रीय यौगिक। अब साकेत के बारे में बात करते हैं, साकेत को समझने के लिए मैं बताता हूं, जैसे मान लो एक पेड़ है, पेड़ है, मैंने बोल दिया कार्बन की एक सीधी चेन थी, तो बीच में कोई ब्रांच आ गई, ब्रांच आ गई, अब शाखा होती है, तो जिसमें शाखा आ गई तो उसको बोलेंगे साकेत, और जिसमें कोई ब्रांच नहीं है ओनली सीधी सीधी चल रही है तो उसको बोलेंगे असाकित। अब साकित को समझने के लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मैंने कार्बन लिया एक दो तीन चार, चार कार्बन लिया, अब मुझे इसकी वैलेंसी को कंप्लीट करना है, क्योंकि हम जानते हैं कि कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो चार होती है, तो अपन इसमें हाइड्रोजन जोड़ के इसकी वैलेंसी को कंप्लीट करेंगे, हाइड्रोजन 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 एक दो तीन चार, इस वाले कार्बन की जो वैलेंसी कंप्लीट हो चुकी है, हम इसकी बात करते हैं एक दो, तो तीसरी ये रही और ये रही, इसी प्रकार इसकी बात करते हैं एक दो ये तीन ये चार, इसी प्रकार ये। अब हम देखते हैं कि जो ये कार्बन की श्रृंखला है, कार्बन की श्रृंखला में इसमें इस चेन के अंदर कोई भी कोई शाखा नहीं निकली हुई, शाखा नहीं निकली हुई, कोई ब्रांच नहीं निकली हुई, तो इसको बोलेंगे अशाखित, अशाखित। तो अब इसको, इसका जो एक्चुअल नेम होता है वो होता है ब्यूटेन, ब्यूटेन। इसी प्रकार में अब साकित की बात करूं, साकित में कोई कार्बन की श्रृंखला है, कार्बन की जो श्रृंखला है इसमें कोई एक्स्ट्रा कोई कार्बन जुड़ जाए, कोने वाले कार्बन पे कोई दो कार्बन, जैसे एक चेन चल रही है, कोने वाले कार्बन पे कार्बन और जुड़ जाए, तो इसका मतलब है एक चेन थी, बीच में एक शाखा निकल गई, ब्रांच निकल गई, अब ब्रांच निकल गई तो इसको बोलेंगे साकित, तो ये होता है साकित यौगिक, तो इसको बोलेंगे। अब इस तरह से जो कंपाउंड बनेगा, इस तरह से जो यौगिक बनेगा, जिस जैसे चेन बनी हुई है, तो चेन में कार्बन नहीं जुड़ा हुआ, एक कोने में कार्बन नहीं जुड़ा हुआ, तो इस प्रकार जो चेन बनेगी, हो सकता है ये चेन आगे बढ़ती जाए,
तो ये आईसो, इस वाले टर्म को अपन आईसो शब्द बोलेंगे, आईसो। तो लेकिन अपन बात कर रहे हैं इस वाले टर्म की, तो इसको बोला जाता है, पहले अपन इसकी बात करते हैं, तो इसको कंप्लीट करते हैं इसकी वैलेंसी कार्बन की। कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए मैंने हाइड्रोजन जोड़ा, हाइड्रोजन जोड़ा, हाइड्रोजन जोड़ा, एक दो तीन चार, कार्बन की वैलेंसी पूरी हो चुकी है। अपन इस कार्बन की बात करते हैं, एक दो तीन, अब मुझे एक हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी क्योंकि मुझे कार्बन की वैलेंसी पूरी करनी है। अब इस वाले कार्बन की बात करें तो एक जुड़ा हुआ है, तो मुझे तीन और चाहिए, एक दो ये तीन, ये चार हो चुके हैं। अब इसी प्रकार अपन इसकी बात करेंगे, एक दो तीन, ये कार्बन की वैलेंसी पूरी हो चुकी है। इस प्रकार जो बने हैं, मैंने जो शाखा शाखा से रिलेटेड बात बताई थी, तो इस टाइप से जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको बोलेंगे आइसो, आइसो। अब अपन जानते हैं कार्बन की जो संख्या है वो चार है, नंबर ऑफ कार्बन चार है, तो इसको आइसो ब्यूटेन बोलेंगे, आइसो ब्यूटेन, आइसो ब्यूटेन, ठीक। तो कुछ और कार्बन कंपाउंड के बारे में बात करते हैं, पहले अपन इसकी वैलेंसी को पूरा करते हैं, हाइड्रोजन से हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। तो अपन देखते हैं कार्बन की चार वैलेंसी पूरी हो चुकी है, ठीक है। तो अब बात करते हैं, मैंने बोला जो स्टार्टिंग का जो कार्बन एटम था उसने एक साइक्लिक फॉर्म में अपना स्ट्रक्चर बनाया, तो इसको बोलते हैं साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन। सिंगल बॉन्ड है तो अपन को एन बनाना है, तो साइक्लोब्यूटेन, तो इसको बोलते हैं एलिफेटिक चक्रीय यौगिक, एलिफेटिक चक्रीय यौगिक, सिंगल बॉन्ड वाला एलिफेटिक चक्रीय, चक्रीय मतलब क्योंकि इसे चक्र टाइप बना रखा है, चक्रीय यौगिक। अब बात करते हैं बेंजीन की। अब बेंजीन का एक स्ट्रक्चर होता है, इसको और इजी तरह समझने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, इसको इस फॉर्म में बना सकते हैं, ये भी एक बेंजीन का स्ट्रक्चर को शो करता है। तो बेंजीन में क्या होता है, कार्बन छह होते हैं और डबल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, तो डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो इसको बोला जाता है बेंजीन। अब यह एक एरोमेटिक चक्रीय यौगिक होता है, चक्रीय मतलब ये भी एक चक्र को कंप्लीट करता है, चक्र बनाता है, तो इसको भी अपन बोलते हैं एरोमेटिक चक्रीय यौगिक जो बेंजीन है। अब बात करते हैं आइसोप्रोपेन की। आइसोप्रोपेन क्या होता है, मैंने आपको बताया था एक ब्रांच मतलब एक चेन बनी हुई थी, साथ में एक ब्रांच निकल गई, तो बस कुछ नहीं बोलना, आइसो बोलना है, आइसो, ठीक है। तो क्या करते हैं, अब बात करते हैं, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, आठ कार्बन हो रहे हैं तो ऑक्टेन बनाएगा। अब मैंने बोला था इस टाइप से कोई बने तो आइसो ऑक्टेन नाम दे देना। अब इसमें इसको अतिसाइक्लिक इसलिए कहा गया क्योंकि एक ये बनने के बाद एक शाखा ये निकलती थी, एक शाखा ये निकली, एक शाखा ये निकली, एक शाखा ये निकली, इसलिए इसको अतिसाइक्लिक बोलते हैं। अब अतिसाइक्लिक के बाद अपन बात करते हैं, जब कार्बन कार्बन परमाणु से जुड़ता है, कार्बन कार्बन परमाणु से जुड़ता है, तो यह एक एकल सिंगल बॉन्ड बना दे, हो सकता है वो सिंगल बॉन्ड से जुड़े, हो सकता है वो द्विबंध मतलब डबल बॉन्ड से जुड़े, या फिर हो सकता है वो त्रिबंध यानी ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े। तो कार्बन की सब अपनी अपनी क्वालिटी होती है कि वो किससे जुड़ता है। तो अपन बात करते हैं, जब कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा, कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा तो ये इस टाइप से स्ट्रक्चर बनाएगा, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, तो उसको अपन बोलेंगे एल्केन। जब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा तो उसको एल्केन बोला जाता है। जब कार्बन कार्बन के बीच, कार्बन कार्बन के बीच अगर डबल बॉन्ड हो तो उसको बोलेंगे एल्कीन, कार्बन कार्बन के बीच अगर डबल बॉन्ड हो तो उसको बोलेंगे एल्कीन। अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो तो उसको अपन बोलेंगे एल्कीन। अगर इसी प्रकार अगर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो जाए, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसको बोलेंगे एल्काइन। तो इसके जो सफिक्स से इन चीजों को ध्यान रखना, ये बहुत काम के, एल्केन एल्कीन एल्काइन, ये आगे जाके बहुत काम आएंगे, एन इन आइन। इसको अपन को जब भी कोई कार्बन का नाम आयुर्वेदिक जब भी अपन सीखेंगे तो उसमें इसका बहुत बड़ा योगदान है। तो आपको इन चीजों को मतलब आपको इन चीजों को याद करना पड़ेगा। एक तरह से मान लो कोई फॉर्मूला होता है तो अपन को उसमें एल्केन यूज करेंगे, कहीं एल्कीन यूज करेंगे, कहीं एल्काइन यूज करेंगे, वो अपन जानेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।